प्रचार है वो खुद उठा के ले गए, जबकि मैं बागपत से 400 किलोमीटर दूर राजस्थान में एक होटल सूर्य विलास पैलेस उसमें मैं रुका हूँ, भरतपुर में। और मेरे दोनों प्रस्ताव रीता मलिक जी भी और सुनील जी भी मेरे साथ हैं। कोई मेरे प्रस्ताव ने एविडेविट नहीं दिया, ना हमारी वाइफ ने दिया, ना किसी ने दिया। और हम फार्म भर तो यहाँ आ गए थे जब से हम यही हैं। निर्वाचन आयोग से मांग, और निर्वाचन आयोग से भी बात हुई, सबसे बात हो। निर्वाचन आयोग से मांग करता हूँ, निर्वाचन आयोग से मांग करता हूँ, अगर ऐसा मेरा पर्चा इन्होंने जबरदस्ती उठाया या कुछ हुआ तो मैं अपने बच्चों को लेकर आत्मदाह करूंगा। और इसका श्रेय सारा पूरी सरकार पे, उत्तर प्रदेश की सरकार पे, बागपत के प्रशासन पे, उस पर जाएगा। मैं आपके हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, या तो मेरा पर्चा ठीक रखा जाए वहीं का वहीं रखा जाए, नहीं तो मैं आत्मदाह करूंगा। अभी आपके प्रस्तावक, मेरे प्रस्ताव सुनील है, ये पत्नी के जो प्रस्तावक है सुनील दामी जी है और गीता मलिक जी भी है, आप याद मेरे साथ है, बाकी सदस्य भी आपके साथ हैं। 14 सदस्य हैं हमारे पूरे आपके, सबके सब यही खड़े हैं, सबके सब गिनवा देते हैं। हमारे साथ जबरदस्ती की जाति की जा रही है, घूमने आए हमारा। और दो तिहाई बहुमत के बावजूद इनके पास एक वोट नहीं, और वोट के बावजूद इन्होंने जोर जबरदस्ती से, अगर इनके पास वोट थी तो चुनाव लड़ते। हमने चैलेंज किया था कि चुनाव लड़ो, लेकिन इतनी गुंडागर्दी मैंने कभी नहीं। और फिलहाल क्या जानकारी आ रही है? अभी हमारे पास जानकारी आई कि वहाँ झूठा एफिडेविट पेश करके डीएम के यहाँ, और वो दे दिया। मैं तो इस डीएम की बहुत बड़ी, मतलब ऐसा डीएम कभी भी नहीं होना चाहिए जितना बेकार की कार्रवाई। अगला कदम ये होगा कि हम इस पर बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे कि पूरे प्रदेश की सरकार को बदलने का काम करें। अब फिलहाल जो है आपका जो अगला वो है वो कहाँ पे है, आप कहाँ जाओगे? अब हम सीधे डीएम के यहाँ जा रहे हैं, उनसे जानकारी हासिल करेंगे कि जब हम तक किशोर नहीं, एक झूठे एफिडेविट पर तुमने कैसे ये निकाल दिया, अब ये जानकारी करेंगे। ठीक, दिन में लगभग करीब 12:30 के आसपास एक वापसी का पर्चा दाखिल हुआ, जिसमें ये कहा गया कि हम बनता है, जिसकी आइडेंटिटी की शिनाख्त की गई। और 2:20 और 2:30 के आसपास एक एप्लीकेशन आई, जिसमें कहा गया कि नहीं साहब, हम मंत्र नहीं हैं, जिसकी जांच कराई गई। जांच में ये हम लोगों ने एस्टेब्लिश कराने की कोशिश करी कि क्या सत्यता है इसकी, कि कोई व्यक्ति तो नहीं है, जिससे कि हम लोगों ने उनसे वीडियो कॉल पर बात करी। उनको फ़ोन किया गया कि भाई आप हैं कि नहीं है करके, क्योंकि उनकी सत्यता जो है संदिग्ध लग रही थी। और उनके बाद एस्टेब्लिश होने के बाद ये डिसाइड किया गया कि वो सेम व्यक्ति नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, एंड दैट नॉमिनेशन एंड दैट पेपर्स हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड।